हेलो एवरीवन दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लास एंड द चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट चैप्टर नाइन फॉर क्लास सेवेंथ ओके क्लास यदि हम प्रीवियस चैप्टर्स में देखें तो हमने अब तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा अर्थ के बारे में ठीक है रॉक्स के बारे में एयर के बारे में वाटर के बारे में फिर हमने ह्यूमन इन्वामेंट के बारे में पढ़ा उसमें हमने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट वगैरह को पढ़ा उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट हमने पढ़ा इन्वायरमेंट कहाँ का सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में अब जो है हमारा चैप्टर आया है लाइफ इन द डेज़र्ट यानी कि डेज़र्ट जो है हमारा वहाँ पर किस टाइप की लाइफ है किस तरह से वहाँ पर पीपल रहते हैं वहाँ का फ्लोरा और फोना कैसा है तो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था, था, था हॉट डेज़र्ट सहारा ठीक है सहारा के बारे में पढ़ा था फिर हमने क्लाइमेट और एंड फोना वहाँ का देखा उसके बाद में हमने वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं ठीक है वो हमने देखा अब हमारा जो टॉपिक है ये है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि लद्दाख जो है इसका जो वर्ड ओरिजिन है वो कैसे हुआ ठीक है तो लद्दाख इज़ अप ऑफ़ टू वर्ड्स ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डार्क मीनिंग कंट्री यानी कि पहाड़ों का देश लद्दाख का मतलब हुआ पहाड़ों का देश तो लद्दाख इज कोल्डेस्ट डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक तो है तो यदि आप फिगर नाइन पॉइंट फोर देखते हैं है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लद्दाख है हमारा वो कहाँ पर है ग्रेट हिमालय के पास है ठीक है ईस्ट साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द कराकुरम रेंजेस इन द नॉर्थ एंड द जासकर माउंटेंस इन द साउथ इन क्लोज एट तो कराकुरम रेंज हमारी कहाँ हैं नॉर्थ में है और जांचकर माउंटेंस हमारे कहाँ हैं साउथ में है सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख और जो बहुत सारी नदियाँ हैं वो लद्दाख के थ्रू बहती हैं इंदस बींग द मोस्ट इम्पोर्टेंट अहमंग डैम और जिसमें से जो इंदस रिवर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द रिवर्स फ्राम डीप वैलीस एंड जॉर्ज जो रिवर्स हैं वो डीप वैलीज बनाती हैं और जोर्सेस बनाती हैं सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख फॉर एग्ज़ाम्पल गांगरी ग्लेशियर और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ग्लेशियर बनते हैं लद्दाख में लेकिन सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है इसका एक जो उदाहरण है वो है गांगरी ग्लेशियर का ठीक है इसके बाद द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज़ फ्रॉम अबाउट थ्री थाउजेंड मीटर इन कारगिल जो इसका एल्टीट्यूड है वो लद्दाख का कैसे वेरीज करता है तीन हज़ार मीटर कारगिल ठीक है कारगिल टू मोर देन एट थाउजेंड मीटर इन द काराकोरम ठीक है ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड इतनी ऊंचाई पर होने के कारण द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ड इंटेंसिवली तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से क्या होता है जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल इंटेंसिवली ठीक है द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट एब जीरो डिग्री और जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल जीरो डिग्री होता है एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर बिलो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो कोल्ड होता है वो विंटर में होता है मतलब जमाने वाला फ्रीजिंग कोल्ड वन द टेम्परेचर्स में रेन रिमेन बिलो माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है तो सर्दियों में जो यहाँ का टेम्परेचर है वो माइनस फोर्टी डिग्री से बिलो रहता है एज इट लाइज इन द रेन शेडो रेन शेडो ऑफ द हिमालयास देर इज लिटिल रेनफॉल ठीक है और क्या होता है यहाँ पर रेन uh, शेडो जो है वो क्या हिमालय पे कैसे होती है बहुत कम होती है देर इज़ लिटिल रेनफॉल बहुत कम होती है एज़ लो एज टेन सेंटीमीटर एवरी ईयर ठीक है मतलब इतनी कम होती है टेन सेंटीमीटर के बराबर होती है द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सन लाइट द ए एरिया एक्सप्रिय एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड जो यहाँ की जो जो हवाएँ होती हैं वो एकदम से जमाने वाली होती हैं एंड बर्निंग हॉट सन लाइट यू विल बी सरप्राइज टू नो तुम ये देख करके सरप्राइज हो गए दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद य फीट इन द शेड यानी कि तुम अपने पैरों पर पे बैठोगे छाया में यू मे सफ़र फ्राम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस बाइट एट द सेम टाइम तुम्हारे सन स्ट्रोक जो होता है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा यानी कि वहाँ पर जो है गर्म जो दिन होता है सनलाइट जो होती है बहुत ज़्यादा जलाने वाली होती है जो हवाएं होती हैं वो एकदम से ठंडी होती हैं ठीक है ठीके? तो हमने ये वहाँ का पढ़ा कि टेम्परेचर के बारे में अब है यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज इस्पार्श देर आर स्कैनिटी पैचज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रीज ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है वेजिटेशन बहुत कम होती है और जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो श्रब्स ही जो है वो ग्रेज कर पाते हैं ग्रोप्स ऑफ विलोज एंड पोपलर्स आर सीन इन द वेलीज। ग्रोप्स ऑफ विलोज ठीक है और, और पॉपलर्स ये जो है वेलीज में देखे जाते हैं ड्यूरिंग द समर्स कब देखे जाते हैं गर्मियों में फ्रूट ट्रीज एज एप्पल एप्रिकोर्स एंड वॉलट ब्लूम तो यहाँ पे यदि हम गर्मियों में देखें तो फ्रूट हमें किस जो ट्रीज़ हैं फ्रूट्स uh, के तो कौन से हमें दिखाई देंगे यहाँ पर जैसे कि एप्पल्स के एप्रिकोट के वॉलट्स के सेवरल स्पाइसेस और वर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख और जो बहुत सारी जो जातियाँ प्रजातियों की चिड़िया होती हैं वो लद्दाख में देखने को मिलती हैं जैसे कि रोबिन रेड स्टार्स है ना तिब्बतियन स्नोकॉक राबिन एंड होपू आर कॉमन ये सब कॉमन बर्ड्स हैं जो वहाँ पर मोस्टली देखने को मिलती हैं सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो अपने मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं ठीक है द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स वाइल्ड शीप याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स और जो वहाँ के जानवर हैं वो कैसे हैं वाइल्ड गोट्स हैं वहाँ पर वाइल्ड शीप हैं और याक हैं ठीक है थीके? और बहुत सारे क्या हैं स्पेशल काइंड्स यानी कि जो डॉग्स होती हैं उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क जो जानवर वहाँ पाले जाते हैं वो किस लिए पाले जाते हैं क्योंकि वो मिल्क मीट और हाइट्स को प्रोवाइड करते हैं याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर और जो याक का जो मिल्क होता है वो हम चीज़ बनाने और बटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक बुलन्स और जो गोट और जो शिप के हेयर्स होते हैं वो बुलन क्लॉथ बनाने में बनाए जाते हैं उनके ठीक है जो वहाँ पर लोग यूज़ करते हैं पहनने के लिए वो शीप और गोट के क्लोथ्स होते हैं अब यदि हम बात करें यहाँ पर डू यू नो की है ना तो लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापा चांद विच मीन्स स्नोलैन लद्दाख को यदि हम लद्दाख को हम खापा चांद नाम से भी जानते हैं जिसका मतलब होता है स्नो लेंगे ये ध्यान रखिएगा ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वन मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है डू यू नो सेकेंड है द चीरू और द तिबियन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पाइसिस ठीक है ये एंडेंजर्ड स्पाइस हैं चीरू और तिबतीतियन एंटीलोप इट इज़ हंटेड फॉर इट्स बुल नॉन एज शातुश ठीक है ये जो है शिकार किए जाते हैं किस लिए बुल के लिए ठीक है जो कि शतुष नाम से जाने जाते हैं विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली बार जो कि जो वेट होता है उनका बहुत ज़्यादा लाइट होता है और जो बहुत ज़्यादा गर्माते हैं ठीक है तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट है द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द बिलो ट्रीज जो बेड बनाए जाते हैं क्रिकेट बेड बनाए जाते हैं वो बिलो ट्रीज से ही की लकड़ी के बनाए जाते हैं अब यदि हम बात करें यहाँ के पीपल यहाँ के लोगों की तो डू यू फाइंड एनी रिसम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया ठीक है द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट यदि हम लद्दाख में लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया और तिब्बत ठीक है तो यहाँ पर है तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों जो हैं वो मुस्लिम्स हैं और बुद्धिस्ट हैं इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्टिस डोट लद्दाखी लैंडस्पेक विथ दियर ट्रेडिशनल गोम्पास ठीक है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिस्ट हैं उनकी मोनास्ट्रीज हैं और यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन मैचिंग में आ जाता है कि मोनास्ट्री को मैच करना है ठीक है तो किससे आप मैच करेंगे सम फेमस मोनास्ट्रीज़ आर हेमीस ठिक शे एन लामायूरू ठीक है तो ये है इन पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं तो ये आपको याद रहेगा इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले पोटेटोज पीस बीन्स एंड टर्निप और गर्मियों का जब सीज़न आता है तो लोग यहाँ पर cultivating करते कल्टिवेटिंग करते हैं किस चीज़ की कल्टिवेटिंग करते हैं बार्ले पोटैटोस पीस बीन्स एंड टर्निप की द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज़ सो हार्श जो क्लाइमेट होता है विंटर मंथ में वो ज़्यादा हार्श होता है डेट पीपल कीप इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज तो यहाँ पे जो लोग हैं वो फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में अपने आप के इंगेज रखते है। working, हैं द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस वो केवल घर पे ही काम नहीं करती है और खेतों में बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स तो वो वहाँ पर जो है घर और खेतों के अलावा जो बिज़नेस होते हैं और जो शॉप्स होती हैं उनको भी वो हैंडल करती हैं लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख ठीक है, है तो लद्दाख की कैपिटल क्या है लेह है इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर तो ये जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है आपके ये रोड से और एयर से है द नेशनल हाईवे वन ए कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जुजिला पास अब जो नेशनल हाईवे है हाईवे का नाम है वन ए जो कि लेह और कश्मीर को कनेक्ट करता है और जिसके पास से जुजिला वैली जो है वहाँ से पास होती है जुजिला है वहाँ पर कैन यू नेम सम मोर पासिस इन द हिमालस ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है नाउ डू यू नो मनाली ले हाईवे क्रॉसेस फ़ोर पासेस, ठीक है यहाँ पे फोर पासेस हैं कौन कौन से हैं रोहतांगला, बारह लाचा लोंग ला एंड तांग तांगलांगला, ठीक है ये चार हैं इनको आपको नाम इनके जो है वो याद करना है उसके बाद में कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर पासेज कौन से हैं दाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सप्टेम्बर और जो ये पासेज हैं ये जुलाई और सेप्टेम्बर के बीच ही ओपन होते हैं वैन स्नो इज़ क्लियर फ्रॉम द रोड जब सड़कों पर जो स्नो होती है वो क्लियर होती है ठीक है यानी कि स्नो जो होती है वो वहाँ की जो रोड्स होती हैं वो क्या है स्नो कवर हो जाती हैं तो ये ही टाइम होता है जब ये वाले पासेज जो है खुले होते हैं ओपन होते हैं ठीक है तो आपको मुझे ये बताना है कि जो ये फोर पासेज हैं ये किस मंथ से किस मंथ तक जो है वो ओपन रहते हैं टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड एब्रोड और टूरिस्ट तुरिस, टूरिज्म के यदि हम उससे देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमने के लायक हैं देखने के लायक हैं जो लोग इंडिया आते हैं एब्रोड से विजिट टू द गोम पास गोम पास को देखने के लिए ट्रैक करने के लिए टू सीधा मेडोज एंड ग्लेशियर्स ठीक है विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटी विटीज़ आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देखने के लिए लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन अब यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो गई है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लाइव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर लेकिन यहाँ पे इतने टाइम ताँ, से रहते हुए यहाँ के लोग सीख गए हैं ठीक है कि अपना अपनी बैलेंस को वो किस तरह से रखना है मतलब नेचर के साथ किस तरीके तरीके से हमें बैलेंस करके चलना है ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि वहाँ पे जो साधन है साधनों की कमी है लाइक वाटर एंड फ्यूल वहाँ पर पानी की और फ्यूल की बहुत कमी है दे आर यूज विद रिवरेंस एंड केयर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ इन चीज़ों का यूज़ करते हैं उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं उसको वेस्ट नहीं करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर स्केर सिटी है तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये होता है कंप्लीट आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ओके नाओ दिस इज़ द टाइम ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शंस ओके तो सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा कहाँ पर है सहारा अफ्रीका के किस पार्ट में है तो आपका आंसर होगा नॉर्दर्न सेकेंड है सहारा इज वॉट टाइप ऑफ डेजर्ट इसके ऑप्शन से कोल्ड हॉट माइल्ड तो सब कौन सा टाइप है इसका हॉट सहारा कैसा डेजर्ट है हॉट डेजर्ट है द लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाई ऑप्शंस आर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स ऑप्शन नंबर बी डेजर्ट आर कैरेक्टराइज बाई स्कैंटी वेजिटेशन हैवी प्रेसिपिटेशन लो एपरेशन तो आपका आंसर क्या होगा डेजर्ट की क्या है कैरेक्टराइज वेजिटेशन यहाँ पर वेजिटेशन की कमी होती है नेक्स्ट है लद्दाख इज ए फेमस हेमिस जो है लद्दाख में वो किस लिए फेमस है मोनेस्ट्री के लिए ठीक है इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन इजिप्ट में जो इजिप्ट किस लिए प्रसिद्ध है किस चीज़ की ग्रोइंग के लिए प्रसिद्ध है वो वहाँ पर फेमस है कॉटन के लिए ओके नाउ आपका जो पार्ट है मैचिंग ठीक है एक्सरसाइज थ्री मैच द फॉलोइंग ओसिस जो है आप इसको मैच करेंगे डिप्रेशंस विद वाटर ओके नाव सेकंड है बेडूंस यह है सहारा आप सहारा से इसको मैच करेंगे इसके बाद है ऑयल ऑयल को आप करेंगे लिबिया से गांगरी को आप करेंगे ग्लेशियर से और लामा यूरो को करेंगे आप मोनास्ट्री से ठीक है तो ये आपका मैचिंग पार्ट हो गया और टिक द करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट हो गए आई होप कि आपको ये समझ आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टेल देन बाय थैंक यू सो मच एवरीवन